यूट्यूब में देखा स्टीयरिंग नॉब को इंस्टॉल करते हुए, उन्होंने क्या कर रखा हुआ था, उसको ये लगा रखा हुआ था। देखिए ये रॉन्ग पोजीशन है इंस्टॉलेशन में, क्यों? क्योंकि ये आप स्टीयरिंग जब एडजस्ट करते हैं तो ये आपके थाइस पे रोटेट करते हुए, ये देखिए, अगर हमने इसको यूँ पकड़ा हुआ है तो मेरा जो रिस्ट है वो यहाँ पर आ रहा है थाइस पे, ये रोटेशन के वक्त ये डिस्टर्ब करता है आपको, ये डिस्टर्ब करता है स्टीयरिंग रोटेट करने के वक्त। करेक्ट पोजीशन जो है वो ये है, देखिए करेक्ट पोजीशन लगेगा वो अंदर साइड, अंदर की तरफ होगा जहाँ पे ये आ रहा है, आपकी स्टीयरिंग यू होगी। जब इसको आप रोटेट करेंगे तो ये चलेगा, अंदर ही अंदर चलेगा। जो लोग बाहर लगा देते हैं इसको, ये उनको लगाने का आइडिया नहीं है कि स्टीयरिंग नॉब कैसे लगाई जाती है, ये बाहर बाहर नहीं चलता है, ये ऐसे बाहर नहीं चलेगा, क्योंकि व्यूइंग एंगल में भी आपको दिक्कत होगी। यूँ ये अंदर होगा, इस तरफ होगा, ये अंदर के साइड होगा, ताकि जब आप पकड़ेंगे स्टीयरिंग नॉब को ये, तो आपको व्यूइंग एंगल भी मिलेगा क्लियर बिल्कुल। ये तो एक्चुअल जो इसकी जो एग्जैक्ट सही पोजीशन है लगाने की, वो हैंड अगर लॉन्ग ड्राइव आप कर रहे हैं यहाँ पकड़ेंगे तब भी आप टायर्डनेस फील करेंगे कुछ टाइम के बाद, ये जगह पे जो है ये सबसे बेस्ट होता है। यूँ आप रख करके आप कंटिन्यू ड्राइव कर सकते हैं ऐसे सिंगल। तो आज हम इसको इसी जगह पे इंस्टॉल करते हैं। ये हमारे पास हमारा स्क्रू ड्राइवर सेट है। स्क्रू को अलग रख लेते हैं। ये आप देखें, ये पूरा ओपन होगा, ये देखिए फ्रेंड्स, ये स्टेटस कंपनी का है, ये स्टीयरिंग व्हील अच्छी क्वालिटी है, फिनिशिंग अच्छी है। इवन इस पे भी आप देखिए तो स्टेटस भी लिखा हुआ है, अगर आप देख पा रहे हो तो। अब इसे हम देखिए, पहले इस रबर को आप ये देखिए, रबर यहाँ फिक्स कर लिया है, रबर यहाँ फिक्स है। अब इसको सबसे पहले ऊपर वाला हम बैठा लेते हैं, ये वाला ऊपर वाला जो है ये बैठा लिया, देखिए थोड़ा सा एडजस्ट कर लें अपने हिसाब से कहाँ इसको, ये देखिए फ्रेंड्स, देखिए ये पोजीशन है एक्चुअली इसकी। आपके जो ये क्रूज़ कंट्रोल मोड है ये इसको भी डिस्टर्ब नहीं करेगा, जो क्रूज़ कंट्रोल की बटन्स हैं बिल्कुल परफेक्ट। ये आपका ये जितना भी एरिया ये है उतना ही आपके हैंड्स इतने इसको कवर कर रहे हैं। ये इसको यहीं पर हम इसको सेट कर देते हैं। कोशिश करते हैं एक बार इसको हटा के, क्योंकि ऑलरेडी इतना थिक है इसका स्टीयरिंग, लेकिन नहीं, ये लगाना ही पड़ेगा। ये रहा स्क्रू, हम इसे टाइट करने जा रहे हैं।
तो फ्रेंड्स देखा आपने, बहुत मेहनत लगी, बहुत ताकत लगी इसको लगाने को, कि ऑलरेडी ये इसकी स्टीयरिंग जो है वो स्टीयरिंग के जो ग्रिप है ये ऑलरेडी इसमें है, सॉफ्ट कुशन है, मगर बहुत ठीक है इसे ऐसे काफ़ी पुश करना पड़ा इसको। ये गैप जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो गैप है ये भी इतना गैप है, अभी ये और टाइट होगा, ये गैप अभी टाइट होगा। और ये देखें इसका जो रबर है वो प्रॉपर, ये देखें ये यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है, ये आया हुआ है क्योंकि यहाँ पे इसका ये कर्व ख़त्म हो रहा है, यहाँ इस कर्व तक ही इसको होना है, कब तक ही होना चाहिए इसको। ऐसे ही सेम यहाँ पे आगे ख़त्म हो रहा है, देखिए इसे टाइट बना रहेगा। हाई क्वालिटी नॉन स्लिप पावर हैंडल डिजाइन, स्टाइलिश विज इन कोरिया। जहाँ तक हमने इसको मैक्सिमम जो है वो स्क्रू इसका टाइट कर दिया है, एक बार और ट्राई करेंगे लास्ट इसको फाइनल टाइट करने के लिए कि ये देखो यहाँ पे जो है तो ये हो गया फ्रेंड्स फाइनली बिल्कुल टाइट, ये हो गया टाइट। तो ये है तो छोटी सी चीज़ पावर स्टीयरिंग नॉब, लेकिन ये दिखाने का मकसद ये था आप लोगों को कि YouTube पे मैंने दो तीन वीडियो देखी तो उसमें उन्होंने जो इसको लगाया हुआ था वो गलत ढंग से लगाया हुआ था, इसको अपोजिट साइड लगाया हुआ था, ये नॉब यहाँ पे आ रहा है बाहर के साइड स्टीयरिंग के बाहर, हमेशा अगर आप बाहर इसको लगा के चलेंगे तो ये आपको डिस्टर्ब करेगा, आपके यहाँ पे आकर के ये आपकी जांघों पे लगेगा, थाइस पे आकर के, ये पोजीशन होती है अंदर की तरफ, ताकि अगर आप इसको घुमाएंगे भी तो ये प्रॉपर घूमेगा। अच्छा मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए आपके अंदर स्टार्ट कर दिया है, ये फ्री हो गई है स्टीयरिंग, देखिए सामने बिल्कुल क्लियर है, आपको कहीं डिस्टर्ब नहीं करेगा। लेकिन यही चीज़ अगर आप इसको अपोजिट लगा देते हैं, इसको घुमा के लगाते हैं, ये चीज़ अंदर, और ये आपके जो स्क्रू साइड ये आपको बाहर यहाँ पे होता है, ये चीज़ बाहर रहेगी तो ये आपको यहाँ पे बाहर से आप लेकर के इसको आप चलेंगे तो ये डिस्टर्ब करता है।
करेक्ट जो तरीका है लगाने का इसका, वो मैंने आपको दिखाया कि ये तरीका है करेक्ट इसको लगाने का। फ्रेंड्स कोई डिस्टर्बेंस नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल स्मूथ ड्राइव आप कर सकते हैं। इवन आप लॉन्ग ड्राइव पे हाईवेज़ पे क्या होता है, हम यू पकड़ लेते हैं रेस्ट करने के लिए, हम यू करके हाथ रेस्ट कर लेते हैं एक हैंड को। इसमें क्या, अगर आप ये भी पकड़ करके, सिर्फ स्टीयरिंग नॉब पकड़ के आप अपने हाथ को, ये हैंड को, फोरआर्म्स को आप यहाँ पर रेस्ट कर दें यूं करके, तो ये सबसे बेस्ट नॉब की पोजीशन है स्टीयरिंग नॉब लगाने की। तो ये मकसद था दिखाने का कि अगर आप स्टीयरिंग नॉब यूज़ करते हैं, आपको शौक़ है कारों में, कार में, या फास्ट ड्राइव करते हैं, आपको फास्ट टर्न करना है कार, तो अक्सर अगर आप स्टीयरिंग नॉब नहीं यूज़ करते हैं तो आपके हैंड कभी कभी लॉक हो जाते हैं तेज़ फास्ट स्टीयरिंग मूव करने में, टर्न करने में। स्टीयरिंग नॉब से आप जितना भी आप सिंगल हैंड ड्राइव आप कर सकते हैं, जितना भी फास्ट टर्न कर सकते हैं, लेकिन फास्ट ड्राइव आप ना करते ज़्यादा बेटर है, रिस्की है। तो ये है एक्चुअल सही जगह स्टीयरिंग नॉब लगाने की, जो मैंने आपको इंस्टॉल करके दिखाया है। स्टेटस ब्रांड का ये जो कॉस्ट किया था मुझे 695, इसकी कॉस्ट भी 695 थी। एक अच्छा पावर नॉब है जो कि मेरे कार के डैशबोर्ड से मैच भी कर रहा है। तो फ्रेंड्स आपको हमारा ये स्टीयरिंग नॉब की जो इंस्टॉलेशन था, अनबॉक्सिंग थी, ये कैसे लगी प्लीज़ कमेंट्स और लाइक करके ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।